तो सामान सारा गाड़ी में ठूस ठूस के इतना आ गया कि दरवाजा खोलते गिर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद, मेहरबानी। ये ड्राइवर नहीं चलाना है? चल सकता, चल जाएगा, वापसी में देखेंगे, अगर फूकना होगा तो वापसी में फूकेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग चावला। आज फिर तैयारी हो गई है, बट सरप्राइजिंगली आज का जो पीछे का लुक है वो हम ऑलरेडी सड़क पर घर से स्टार्ट नहीं करा क्योंकि मैं सुबह ऑलरेडी लेट हो चुका था। और ये वाला बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप है, और इस वाले ट्रिप पे कनिका और शहरी साथ में नहीं है, इसमें मैं और मेरा एक और फ्रेंड है जो हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। सो अभी सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं, और अभी जस्ट अभी अपने एरिया में डीजल वगैरह कार में डलवा दिया है, और इस बार मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड की कार में, और जो कि यहाँ पर है, हिज नेम इज लिज्जो। इट्स अ क्वाइट अनयूजुअल नेम, बट हम दोनों जा रहे हैं लेह लद्दाख के ट्रिप पे। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन का ट्रिप रहेगा, और इस बार हमारी सवारी है ये। मैंने इसको बोला भी था, मैं कहा ईऑन में चलते हैं, छोटी सी गाड़ी है तो कम्फर्टेबली हो जाएगा, लेकिन बट इसका ओपिनियन सही था कि हाँ भाई चलो, काफ़ी सारा सामान है एंड ऑल, तो इस वजह से ईऑन को हमने अवॉइड किया। तो हम इसमें जा रहे हैं, ये है महिंद्रा TUV, और मैं आपको पीछे की तैयारी सारी दिखा देता हूँ। ये सारा सामान वगैरह ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो सामान सारा गाड़ी में ठूस ठूस के इतना आ गया कि अब दरवाज़ा खोलते गिर रहा है। सो इस बार क्या है, ये सारा स्लीपिंग बैग्स हो गए, वाटर बॉटल्स, जूस वगैरह, ये सारे कुछ, सारा हमारा सामान रेडी हो गया है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटिंग ट्रिप है। अब वहाँ पर पता नहीं है क्या अनसर्टेनिटीज रहती हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। अपना तो हमने तो चेयर्स कैंप करने के लिए, साइड में खाना वाना बनाने के लिए चूल्हा वूल्हा सब कुछ ले लिया है। लेट्स सी कहाँ तक कितना चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। चलते हैं, अब आगे दिखाते हैं आप लोगों को, और सारा एक्सपेंसेस वगैरह बताते हैं, और जो जो आप सारा वीडियो, जो जो हम सारा कुछ एक्सपीरियंस करेंगे वो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। बस चलते हैं आगे। अभी तक तो डीज़ल डलवाया है, और ये खाने पीने का छोटा मोटा सामान लिया है, तो डीज़ल जो अभी तक हमारा डला है, टैंक फुल डला है, विच इज़ 4100 का, दिल्ली में 89 रुपीज़ प्राइस है। बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपनी जर्नी। ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 5:45 हो गए हैं। अच्छा, हमारा जो रूट रहेगा वो रहेगा दिल्ली से मनाली, देन मनाली से आगे अटल टनल को क्रॉस करते हुए ले हम निकलेंगे। चलो देखते हैं, शायद 2 या 3 दिन में पहुँचेंगे, दिखाते हैं आप लोगों को साथ में जर्नी। चलो इन्जॉय करते हैं साथ में। जीरो कर दिया, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ट्रिप मैंने जीरो कर दिया, ट्रिप ए। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डेस्टिनेशंस पे आपको दिखाता रहूंगा। चलें, ऑल सेट, ऑल सेट। जिलविल पे रुके हैं, आ गया, परांठे शरांठे आ गए, मक्खन, लस्सी, चाय, बस चाय रह गई, खाते हैं फिर चलते आगे। घर से 120 किलोमीटर चल दिए, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, जल्दी है, टाइम पे कवर कर रहे हैं। सो अब ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं, अब निकल के झिलमिल से निकले हैं, करनाल से, यानी कि आज संडे का दिन है तो हाईवे पे थोड़ा सा वैसे ही है, ऑन एंड ऑफ ट्रैफिक सा है। बाकी अपना टारगेट तो यही है कि रात तक मनाली पहुँचे। अच्छा, जो हमारा ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, तो हम दोनों ने जो भी खाया है उसका जो बिल आया दैट इज़ 275, और हम एक तरीके से ना पूरा चार्ट वो मेनटेन कर रहे हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पर कितना 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 क्या लग रहा है। तो अभी मॉर्निंग में बस 2 ही एक्सपेंसेस हुए हैं, एक हमने डीजल डलवाया 4100 का, एक हमने ब्रेकफास्ट किया है। बाकी तो टोल वगैरह जो भी लग रहा है वो तो फास्टैग की सारी हिस्ट्री इकट्ठी निकल के आ जाएगी, तो ये पूरे हमारे ट्रिप का सारे एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे। धूप हो गई है, गर्मी है, लेट्स सी। अब ये वाला रास्ता तो मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली जितनी बार भी गए हैं पुराने वीडियोज़ में ऑलरेडी है, तो ये वाला तो फ्लैट रास्ता है, बोरिंग रास्ता है, तो इसको मैं इस बार ज़्यादा शूट नहीं कर रहा, और जैसे हिल स्टार्ट होती है फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँ नज़ारे क्या है वादियों के। चलो चले। धूप हो गई है, अब ये मादा वगैरह निकाल रहे हैं, ये हमने चिलर चिलर में डाली नहीं, डालना भूल गए चिलर में। Thank you.
सुपर गर्मी है। अभी जस्ट गाड़ी से उतरा हूँ, माजा वगैरह सारी चीजें चिलर में डाली है क्योंकि हमने पानी वानी पी लिया तो चिलर खाली हो गया। हम इतनी देर से चलाए जा रहे, जो धूप थोड़ी सी शांत होगी तो डालेंगे, हालत खराब हो गई। बस अब इसके अंदर डाला है, अब चल रहे हैं आगे। दिल्ली से लगभग कितना चल गए, 230। हाँ, लगभग 230 किलोमीटर चल गए हैं। आगे अब खरड़ आएगा, रोपड़ आएगा, एंड देन उसके बाद मनाली वाला रूट आगे हमारा कंटिन्यू होगा। इस वाले ट्रिप पे बहुत सही चीज़ ये वाली करी है कि ये एक ले लिया था, ये चार्जर, ये बेसिकली लिया था लैपटॉप को चार्ज करने के पर्पज से। तो अब इसमें क्या है कि पूरा ना, जैसे ये लग गया हमारा 12 वॉट सॉकेट में लग गया, ये जो हमारा कार का होता है लाइटर वाला उसी के अंदर लग गया। ये दो तो इसके अंदर ये है कि हम आराम से अपना अडॉप्टर वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी जिसकी भी जो भी वॉट है उस हिसाब से फास्ट चार्जिंग वगैरह कर देगा। इसमें यहाँ पर क्या है, ये फैन भी लगा हुआ है इसको ठंडा करने के लिए, और यहाँ पर चार इसके USB पोर्ट्स हैं। आराम से मतलब हम इसमें भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या होता है कि गिम्बल है, कैमराज हैं, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इकट्ठे चार्ज कर सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल। गाड़ी में अभी इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि अच्छा कहीं उतरेंगे तो वहाँ पे चार्जिंग करेंगे, क्योंकि अभी क्या पावर बैंक्स वगैरह हैं तो उसकी लिमिट होती है, 20,000 mAh का हमने ले लिया है चीज़ें, कितने पावर बैंक कैरी करेंगे। तो सीधा ये एक ये ले लिया, इसके थ्रू आराम से कार में कुछ मर्जी चार्ज करो अपना। क्या हेयर ड्रायर भी चलाना है? चल सकता, चल जाएगा। वापसी में देखेंगे, अगर फूकना होगा तो वापसी में फूकेगा, वरना जाते जाते खराब हो जाएगा। छबील मिल रही है आगे, साइड में रखियो, साइड में, लेफ्ट साइड में, ये देख छबील मिल रही है, छबील पीते हुए जाएंगे। दिस इज व्हेन यू गेट टू नो यू आर इन पंजाब। ला फड़ा दे टाइप का हो गया तब भी ये देते हैं, और पंजाब वगैरह में इस चीज का कल्चर है, जब किसी घर में कोई खुशी हो जाए या कोई भी एक्सपेंसिव रीजन हो सकता है तो वो पानी पिलाते हैं। इसको कहते हैं छबील बांट रहे हैं, छबील कहा जाता है शब्द, रूह अफ़ज़ा और हल्का सा दूध और सारा ही होता है। बेटा लगा कैसा पी के? हां रिफ्रेशिंग था, नहीं मतलब द वे दे आर ग्रीटिंग नो, हां विद अ स्माइल, विद अ स्माइल की होता है ना कि हां लग रहा कि बस काम के लिए कर रहा है कि आप नहीं यार बिठा रखा मैं आप किसी ने, वैसा नहीं लग रहा है। ही इज डूइंग विद दिस पंजाब में चीजों में ना कल्चर मिलेगा एंड देर मतलब लाइक विल और बिलीव के हाँ भी वी आर गिविंग समथिंग। और इतनी गर्मी में तपती धूप में खड़े होके खुद अपने ऊपर वो टॉवल ले रखा है, उस बंदे की स्माइल देखी, उस स्माइल से मैं चल रहा हूँ, मन से कर रहा है। यस, बोले ऐसे नहीं कि भैया पी लो यार हमें जल्दी से खत्म करना है समथिंग का। तो ये न्यू एक्सपीरियंस था तेरे लिए? मैं देखे बहुत है पर पिए आज तक नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे साथ सारी हिम्मतें दिखा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सही है। ही बिलोंग्स टू क्रिश्चैनिटी रिलीजन, तो जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट रिलीजन, या कह लो कि जैसे हम न्यू देखते हैं या फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो वो इसके एक्सपीरियंसेस हैं। चलते हैं फिर आगे, मज़ा आ गया ये पी के, रिफ्रेशिंग था क्यों। ये गाड़ी जबरदस्ती आगे गई थी, अब उसको पीछे लेकर आ रहा है, ये देखो सारा जाम लगा दिया, तो अब ये पूरी पंजाबी गाड़ी बैक आ रही है और आगे से ट्रक आ रहा है। हम इतने मतलब 15 मिनट हो गए इसी तरीके से पूरी लाइन में खड़े हुए हूँ, ये देखो। बस किसी एक वजह से सब लोग सफ़र करते हैं, मज़ा आ रहा है ड्राइव करके, बिल्कुल नहीं। जस्ट यहाँ पे रुके, रास्ते में 3 बज गए, 2:30 बजे रुके थे, तो अभी बस सुंदर नगर आ गया, तो यहाँ पर ये ढाबे से भी रुके, भूख लग गई थी कुछ खा लिया, अब खा के निकल रहे हैं। 3 बज गए हैं और थोड़ी देर का रास्ता रह गया, मेरे ख्याल से 4 घंटे का रास्ता रह गया लगभग मनाली का, 140 किलोमीटर है।
बाकी चलते हैं आगे, दिखाते हैं और आगे का। फिलहाल तो अभी कोई मन नहीं कर रहा, अभी तो धूप इतनी हो रही है, बस वेट कर रहे हैं कि लेह लद्दाख के लिए निकले, फटाफट से लेह लद्दाख पहुंचे। ये लिए तड़का छाछ। यहाँ पर क्या है, हिल्स पे ना कोई भी चीज़ जैसे MRP होती है तो MRP से बढ़ा कर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सक्यूज होता है कि भैया हमारे पास पहुँचती इतनी है या कुछ है। बट अब ये देखो कि 10 रुपये की अगर चीज़ है कोई भी और उसको वो 15 की दे रहे हैं, तो 5 रुपये बढ़ा कर दे रहे हैं, तो एक तरीके से 50% ये बढ़ा कर दे रहे हैं। तो सोचो हर चीज़ में, अब जैसे हमने 4 ये लिए तो 20 रुपये तो इसी के ऊपर हो गए। बट क्या करें, सिस्टम ऐसा ही है, या तो फाइट कर लो, बोलेंगे तो कम कर भी देगा, यहाँ भाई भैया आप 10 रुपये ऊपर दे दो 20 की जगह। बट वही है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको अपना मूड का क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़ है। बट ये मोस्टली हिल्स पे ना होता ही है, बड़े बड़े स्टोर्स पे तो नहीं होता, बट ये छोटे मोटे ढाबे इस तरीके के जो है ना करते ही है। लो जी खड़े हो गए अब जाम में, काफ़ी देर से खड़े हैं और 15-20 मिनट तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी, और फिलहाल ये जाम है पूरा यहाँ से आगे और वो पीछे तक का जाम। चलो इसी बहाने रुक के उतरे, सारे लोग बाहर निकल गए आगे, आराम से थोड़ा सा पॉइंट मिल गया कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा कमर सीधी कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे काफ़ी लंबी ड्राइव करके आए। अगर आपको वहाँ तक गाड़ियाँ दिख रही होंगी तो वो पिछली पहाड़ी तक सारा जाम ही जाम है, और आगे का पता नहीं क्या तो रहेगा, 4 लेन की कटिंग हो रही है, उस वजह से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, तो जिस वजह से रोका हुआ है। बाकी देखते हैं अब आगे कितना टाइम लगने वाला है आगे का, जैसे जैसे चलते हैं पता चलता रहेगा, दिखता रहेगा। बट फिलहाल जो है रह गया है 130 किलोमीटर के आसपास, तो GPS तो दिखा रहा है कि 7:30 बजे तक का, बट मुझे लग नहीं रहा, वो अपने आप ही 8:30-9 तो बजाएगा ही आराम से, बाकी देखते हैं क्या चीज़ है। बट मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये क्या है कि 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हुई ना स्कूल्स की, सो काफ़ी सारी भीड़ जो है, मैंने हम संडे के दिन इसलिए निकले थे क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है कि सब लोग वापसी कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ा खाली एरिया मिल जाएगा, बट जैसी भीड़ और जितने क्राउड जा रहा है तो उस हिसाब से लग नहीं रहा। तो लेट्स सी मनाली में रुकेंगे या फिर मनाली से थोड़ा सा और आगे क्रॉस कर जाएंगे या मनाली से पहले रुक जाएंगे, क्योंकि हमने मनाली तो नहीं घूमना है एज सच, कोई हमारा मेन टारगेट है लेह लद्दाख का, तो वहाँ पर जाना है, तो या तो देख लेंगे जहाँ तक भी ड्राइव होती है, या तो उससे पहले रुक जाएंगे या उसके बाद रुकेंगे। चलो ये साथ में ब्यास नदी चल रही है, आपके बज गए हैं 10, अब जाके हमें मिला है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भीड़ वगैरह है तो समर वेकेशन चल रही है ना, तो उस वजह से अब जाके हमें ले दे के मिला है। काफ़ी जगह पूछने के बाद ये कैंप मिला है, ये कैंप है यहाँ पर।